हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। 4.5% के आसपास की गिरावट देखी गई है। वॉल्यूम काफी अच्छा आया है यहाँ पर गिरावट के बाजार में भी। स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पर फ्लैट ओपनिंग हुई थी। क्लोजिंग के समय आते आते मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, मोस्ट ऑफ द इंडाइसिस में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी 50 ने अपने आप को ब्रेक नहीं होने दिया है, वहां पर सपोर्ट मिला है निफ्टी 50 को, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द इंडाइसिस जो रहे हैं हमारे वो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर फिसलते हुए देखने को मिले हैं। बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहला सवाल कि बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छी खबरें नहीं है हमारे सामने, और अगर उस वजह से गिरावट हुई है तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा दोबारा से 65-60 तक आने की उम्मीद यहां पर करोगे आप? क्या यहां पर ज्यादा गिरावट के चांसेस हैं? जिन लोगों ने खरीदारी कर रखी है, लॉस में है, तो क्या लॉस को बुक करें या फिर होल्ड करें? स्टॉक में जल्दी रिकवरी आने के चांसेस बनते हैं, सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे टारगेट की भी, अगर आपने यहाँ पर खरीदारी करनी है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो टारगेट क्या लेके चलना, उसकी भी बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दिन के चार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट हमें ठीक ठाक देखने को नहीं मिलता है। काफी कमजोर बाजार रहा था और बाजार को फॉलो करता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ट्रेडिंग की है पूरे दिन। वॉल्यूम आया है इसमें कोई दो राय नहीं, खरीदारी हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर कई सारी रही है। देखो, सिर्फ वॉल्यूम से स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिलती है, जो सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं बाजार के आज बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट हुए हैं, और उसी का असर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े स्टॉक में भी या भेल में गिरावट देखने को मिली है। जो स्टॉक्स लगातार तेजी में थे, भेल लगातार तेजी में था, वहां पर गिरावट हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यहाँ पर गिरावट हुई है। गेल हो गया, नालको हो गया, इनमें इन स्टॉक्स में गिरावट के चांसेस कम थे, बट स्टिल यहाँ पर गिरावट हुई है। तो रीजन वही है हमारे सामने कि मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव थे आज के दिन में। बात करते हैं क्यों, उनकी भी बात करेंगे। बाजार में देखो, बाजार में कई सारी खबरें हैं हमारे सामने। बाजार को लेकर के अगर आप देखोगे तो बाजार का खासा असर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर पड़ता हुआ देखने को मिला है। पहले रीजन क्या रहा है, पहला तो कोविड-19 ही रहा है। नंबर्स अच्छे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड-19 में अभी नंबर जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में, मुंबई में कम होते हुए देखने को मिले हैं। मुंबई में अगर हम बात करें तो कम लगभग 2000 केसेस मुंबई में आए थे हमारे कल के दिन में 24 घंटे में, और दिल्ली में 10,500 के आसपास के नंबर्स आए हैं, जो कि काफी कम हुए हैं कंपेयर टू प्रीवियस वीक। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल में है कोविड-19 थोड़ा सा, बट उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है वो ये कि अब मेट्रो सिटीज से निकल कर कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो जा रहा है गाँवों की तरफ, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की तरफ, और वहां पर जो समस्याएं हैं वो और भी हैं। हॉस्पिटल्स की, पीएचसी वगैरह की समस्याएं ज्यादा है वहां पर, और यही एक बड़ा कारण है कि बाजार पर आज इस बात का, इस रिपोर्ट का असर देखने को मिला है। दूसरी जो बड़ी समस्या जिसकी वजह से गिरावट हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा और बाजार दोनों में, वो रहा है म्यूकरमाइकोसिस। भले ही कोविड-19 कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिला है, बट जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनमें म्यूकरमाइकोसिस की समस्याएं देखने को मिली है महाराष्ट्र में, गुजरात से निकलकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक एंड दिल्ली, यहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं हमें लगातार म्यूकरमाइकोसिस के, और ये भी एक समस्या हमारे सामने रही है जिसको इस समय पर हमारा इंडिया जो है वो झेल रहा है। इस समस्या का अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं इन्फॉर्म कर दूं कि म्यूकरमाइकोसिस की वजह से जो एक स्टॉक हमारा बहुत दिनों से बंद पड़ा था ऑलमोस्ट, वो 2 दिनों में 40% तक शूटअप हुआ है। अंबालाल साराभाई की बात हो रही है यहाँ पर, वो स्टॉक 2 दिनों में 40% से ज्यादा बढ़ा हुआ है हमारा। रीजन यही है कि म्यूकरमाइकोसिस की जो एकमात्र दवाई है वो अंबालाल साराभाई की सब्सिडरी बनाती है, और कोई नहीं बना पाता है, कोई किसी का पेटेंट नहीं है, क्या है कुछ नहीं पता, बट हाँ वही लोग बिल्ड करते हैं, और इसी वजह से म्यूकरमाइकोसिस की जो प्राइसेस है इंजेक्शन का वो काफी तेजी से बढ़ा है पिछले दिनों, और एक व्यक्ति को 50 से 60 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं तब जाकर के ये बीमारी से निजात पाया जा सकता है। तो प्रॉब्लम तो है हमारे सामने कोविड-19 की भी और म्यूकरमाइकोसिस की भी, ये दो बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली है हमें। और गिरावट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न हमारा काफी स्ट्रांग था, ऐसा नहीं कि चार्ट पैटर्न में कोई खराबी हमें देखने को मिली हो, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पर स्टॉक में गिरावट का चार्ट तो नहीं ही बन रहा था। एक न्यूट्रलिटी जरूर थी स्टॉक में कि स्लो ग्रोथ थी या कभी कभी यहाँ पर न्यूट्रलिटी बरकरार हो रही थी बाजार को देखते हुए, बट गिरावट के जो चांसेस बने हैं वो इसी वजह से बने हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है तो बाजार, दूसरा बड़ा कारण है कि बैंकिंग सेक्टर के जो नंबर्स आए हैं, जिनके भी आए हैं, वो नंबर्स कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं। जिन भी स्टॉक्स में लगातार तेजी थी, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो आलोक इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा आप मान सकते हो, यहाँ पर भी लगातार तेजी है। टाटा पावर के नंबर्स काफी अच्छे नहीं आए हैं, अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज की बात करो तो वहां पर नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं,
और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार में अब यहाँ पर गिरावट का दौर देखने को चला। अब बात करते हैं कि करना क्या है। देखो गिरावट के कारण तो बहुत सारे हैं और गिरावट आगे भी होने की संभावना है। बात करते हैं सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की। तो लोअर साइड पर 71 का सपोर्ट लेकर के बने रहना है आपको स्टॉक मार्केट में। अपर साइड पर अगर आप बात करें तो 78 रुपीज का आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों लेवल्स के बीच में ही रहना है। मुझे लगता है कि स्टॉक में न्यूट्रलिटी बरकरार रह सकती है कुछ एक दिन के बीच में, जब तक कि कोई बहुत अच्छी खबर स्टॉक मार्केट से या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का जुड़ी हुई नहीं आती है। अर्निंग की बात हो रही थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में अर्निंग के जो चांसेस है वो अच्छे आने के चांसेस है, क्योंकि इस बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 3 से 4 क्वार्टर में और लगातार एक ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में निराश करने वाला है इस बार, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। अर्निंग्स के देखो, अर्निंग्स का अगर खराब भी आती है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि एक खराब क्वार्टर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रिटेल इन्वेस्टर जो नए होते हैं वो बेचना स्टार्ट करते हैं, बट क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल है इस बैंक के अंदर, ये बैंक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर। और वैसे भी अभी तो बहुत सारे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया है, संजीव भाषण साहब ने भी बोला कि यहाँ पर स्टॉक हमारा आने वाले कुछ एक महीनों में डबल हो सकता है। तो होल्ड करने के कई सारे रीजन है, चाहे आप इसमें FII FPI के शेयर होल्डिंग को देख करके होल्ड करना चाहो, चाहे म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डिंग को देख करके होल्ड करना चाहो, चाहे आपको खुद एनालाइज किया हो आपने और पोटेंशियल देख करके होल्ड करना चाहो, देर आर मेनी रीजन टू होल्ड द स्टॉक। ठीक है, और सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ना आने से अगर आप बेचते हो लॉस में ये 2-4% के प्रॉफिट पे, तो आप बहुत जो बड़ा प्रॉफिट है ना उससे मिस कर दोगे। और कई बार ऐसा होता है कि रिटेल इन्वेस्टर, आपको खुद पता होगा कि आपने कई सारे स्टॉक बेच दिए होंगे और उसके बाद वो बहुत तेजी में आया होगा, तो ये वैसा स्टॉक है। अगर आपने जल्दीबाजी में बेचा इसको अभी, चाहे गिरावट का दौर देख के बेच दिया, चाहे आने वाले क्वार्टर फोर के नंबर्स का रिजल्ट देख के बेच दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। स्टॉक में दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। बात करें टेक्निकल्स की तो मैकडी हमारा स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है। RSI हमारा 55 का RSI, यानी कि काफी अभी होप है यहाँ पर कि स्टॉक मार्केट में अगर एक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो स्टॉक हमारा तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो घबराना नहीं है, बने रहना है बाजार में। बात बाजार की भी करें तो बाजार हमारा फ्लैट ओपनिंग में जरूर है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। खबरें जो है वो लगातार सुधर रही है भारतीय बाजारों को लेकर के, और उसका असर हमें अगले ट्रेडिंग सेशंस पर देखने को मिलेगा मंडे से। ठीक है, बात करें FII DII की तो यहाँ के नंबर्स काफी अच्छे नहीं है। DII और FII दोनों लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और FII का समझ में आता है एक्चुअली कि ग्लोबल मार्केट बहुत नेगेटिव है, इस वजह से बिकवाली कर रहे हैं। DII का थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो रिट्रेसमेंट बन रहा है बाजार में उसको देख करके ये लोग थोड़ा सा माल अपना डंप कर रहे हैं। जिन स्टॉक्स में बहुत तेजी देखने को मिली थी उनमें ये लोगों ने डंपिंग की है, जैसे भील हो गया, सेल हो गया, नालको हो गया, मेटल सेक्टर में मोस्टली या फार्मा सेक्टर में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है हमें। बट ओवरऑल आपका स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पर होल्ड करने की मेरी सलाह है। दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आप बाय करो तो बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, पोटेंशियल है बैंक में, पैसा आपका बनेगा इन फ्यूचर। 2-3 महीने अगर आप होल्ड करते हो स्टॉक और बाजार हमारा संभल जाता है तो आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको देकर के जाएगा। ठीक है, इसी के वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।